keep on doing. Okay, next question. Okay, Kamal, 22 years old. Sir, actually, I'm engineering. This time I'm in fourth year. And sir, आगे चलके मुझे अपना मतलब plant खोलना है, business करना है. तो first of all तो job करेंगे, लेकिन ये है, लेकिन parents चाहते हैं कि आप UPSC से IAS या IPS बनो, like civil services join करो. हाँ, तो civil services में आपका कोई interest नहीं है? No, no. तो यार मत करो. मत करो, मुझे और तो ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया. लेकिन सर वो होता है ना कि parents मतलब दिल से कहते हैं कि बेटा मुझे ये चाहिए, तो थोड़ा वो लगता है ना. तो कई बार life में ऐसी situations होती हैं कि हम करना कुछ चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, और हम उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहते. ये सिर्फ ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, उस जज की वजह से हो रही है. जिस जज की मैंने अभी बात करी थी ना, ये जो लिखा हुआ है पीछे, नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, अ कलरफुल इंटरेक्शन, मतलब हम दुनिया को ना सही और गलत के नजरिए से देखते हैं, ब्लैक और व्हाइट से देखते हैं, कलरफुल नहीं देखते इस दुनिया को. एक बच्चा अगर आप छोटे होते तो आप इतना सोचते क्या? नहीं सोचते, इतना दिमाग नहीं लगाते कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या उससे रिलेटेड वो कंक्लूजन निकालेंगे. आपको जो मन करता वो आप करते चले जाते, और जैसे ही आप खुश होते वो करते करते आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाते. अल्टीमेटली पेरेंट्स क्या चाहते हैं? कि आप खुश रहो. अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपनी लाइफ में आईपीएस करके, तो मैं मन में गालियां निकालूंगा अपने पेरेंट्स को आज, ठीक है, और आने वाले कुछ टाइम बाद उनके मुंह पे उनको गालियां निकाल रहा हूँ. सच है? ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लाइफ में फेल हो जाते हैं और सारा का सारा ब्लेम उठा करके अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं. सो बेसिकली व्हाट आई डू इज इन माय लाइफ, मुझे जो करना होता है मैं जा करके, मैं ऐसा भी नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता हूँ किसी से या जा करके अगेंस्ट चला जाता हूँ, बड़े प्यार से बैठ करके मैं बोलता हूँ कि अल्टीमेटली जो भी मुझे करना है वो तो मैं करूँगा ही. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप बस इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. अगर लाइफ में पीछे कभी भी उठा करके देखो कि जो भी मैंने किया है अपनी मर्जी से या अपने मन के लिए, उसमें एंड में जा करके वो चीज मेरे लिए तो अच्छी हुई हुई है, लेकिन आपके लिए भी अच्छी हुई है ना. और जैसे ही उनको ये चीज समझ आती है तो दे लेट इट गो, वो छोड़ देते हैं उस चीज को. और कभी कभी वो नहीं भी छोड़ते, वो सपोज बोल करके रखते हैं कि नहीं करो 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 करो. और जब मैं उस कंफ्यूजन में होता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा बनूं या एक खुश इंसान बनूं, तो मैं चूज करता हूँ एक खुश इंसान को. क्योंकि अगर मैं एक खुश इंसान बन गया तो एक अच्छा बेटा अपने आप बन जाऊंगा.